देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 7 चरणों में ये चुनाव होने हैं, जिसमें से 19 अप्रैल को पहले चरण के और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब सभी पार्टियों की नजर तीसरे चरण के चुनाव पर है, जो कि 7 मई को होने जा रहे हैं। इस बीच पक्ष विपक्ष के तमाम नेता अपनी अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कोई नेता जनसभा कर रहा है तो कोई चुनावी रैलियों में व्यस्त है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल अपनी मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों के बीच पहुंच गए और उनसे मुलाकात की। इस दौरान पार्क में उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया। यही नहीं, लोगों ने उनसे मुलाकात कर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। वहीं इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि मैं मुंबईकर हूं, मुंबईकर रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके काम के लिए बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मुंबई के लोग आनंद ले रहे हैं और आखिरकार मुंबई में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर आना शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनाम कोई है ही नहीं। मैं मुंबईकर हूँ, मुंबईकर रहूंगा, और जो प्यार और जो स्नेह और अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी के लिए है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य के लिए, वो हम सबकी सामूहिक खुशी की बात है। मैं समझता हूँ ये पूरा मोदी परिवार यहाँ पे है, और गोपाल भाई ने जिस प्रकार से सालों दशकों से इस क्षेत्र में परिवर्तन, ये इनका पहला उद्यान था और यहाँ से शुरू करके उन्होंने कई सारे, अरे वाह, आज आप लोगों से मिले हैं, लोगों ने आपसे हाथ मिलाया है, सेल्फीज ली हैं आपके साथ में, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? पिछले एक महीने से आप लगातार देख रहे होंगे, आज क्या महसूस किया आप लोगों? बहुत ही आशीर्वाद मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के लिए, उनके काम के लिए, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, मैं समझता हूँ हम सब के लिए गर्व की बात है। और विशेषकर यहाँ तो हमारी नारी शक्ति इतने बड़े संख्या में है, कौन भूल सकता है वो दिन जब हमारे माता बहनों बहुओं बेटियों को शौच के लिए गांव में खेत में जाना पड़ता था, कौन भूल सकता है वो दिन जब देश की आधी जनसंख्या के पास LPG गैस कनेक्शन नहीं था। इनको भी LPG था, लेकिन अगर रिफिल चाहिए तो 15-15 दिन रुकना पड़ता था, ललो छप्पो करनी पड़ती थी सिलेंडर वाले के, और पानी की किल्लत, अनेकों अनेक समस्याएं, जिसमें बहुत काम हुआ है, बहुत पहल हुई है। अभी BMC ने भी यहाँ पे पानी की समस्या के सामने लड़ाई, युद्ध लड़ना शुरू किया है। ड्रेनेज जिस तरीके से समुन्द्र में जाके प्रदूषित करता था, उसके हम कम से कम, मैं 40 साल से सुन रहा हूँ कि ड्रेनेज सुएज क्लीन होके जाएगा पानी में। अब जाके एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार, पवार सरकार ने मिलके BMC से वो ऑर्डर्स निकाले, और एक प्रकार से सभी मुंबईकर आनंद ले रहे हैं कि मुंबई में फाइनली वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आना शुरू हुआ है। सिंगापुर होगा। उत्तर मुंबई की सीट में प्रत्याशी बदले गए थे, गोपाल जी की जगह आप प्रत्याशी बने थे, लोगों ने कहा कि पार्टी में बहुत मनमुटाव है, बहुत अंतर विरोध है, लेकिन वो तो यहाँ देखो, आप किसी के साथ खड़े हैं तो ये पहले दिन से जब मैं यहाँ आया, उल्टे जब मुझे मेरा नाम घोषित, तो हमें तो किसको मालूम नहीं होता, हम सब कार्यकर्ता हैं पार्टी के, अलग अलग समय सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है। इस समय मुझे ये जिम्मेदारी दी है, वर्षों तक गोपाल जी ने जिम्मेदारी रखी। भारतीय जनता पार्टी की ताकत यही है कि हम एक कार्यकर्ता की पार्टी है, पार्टी अलग अलग समय में अलग अलग काम करने कहते हैं, वो काम करते हैं। उन्होंने भी 40 साल और हम दोनों का सानिध्य रहा है 40 साल का, हमने साथ में पार्टी के लिए काम किया, और मेरा मानना है कि ये पार्टी इतनी महान है कि हर एक का योगदान, और गोपाल भाई को आगे क्या योगदान देगी वो पार्टी तय करेगी। कुछ सालों की बात छोड़ दे, 2004 और 2009, उसके बाद से लगातार ये BJP का गढ़ी रहा है, और पिछली बार तो कीर्तिमान भी यहाँ पे बना है, तो पार्टी का जो काम रहा है, गोपाल जी का जो काम रहा है, जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं BJP के, उनके जो किए हुए काम है, उसका कितना फायदा आपको मिल रहा है? लोगों से संपर्क जो है आपको, उसका कितना फायदा मिल रहा है? आपके कार्यकर्ता यहाँ के लोग कमाल के हैं, और कमाल के लोग ही कमल को चुनते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जितना मैंने यहाँ के हमारे आमदार, चाहे वो योगेश सागर जी हों, सुनील राणे जी हों, अतुल भातखलकर जी हों, मनीषा ताई चौधरी हों, प्रकाश सुर्वे हों, प्रवीण दरेकर हों, भाई गिरकर हों, ये जो सातों आमदारों की टीम गोपाल भाई के साथ लगी, साथ में 24 हमारे नगर सेवक, भारतीय जनता पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता अपने आप में नेता है, और जनता के साथ जुड़ा रहता है, जनता की समस्याओं के लिए सदैव तत्पर रहता है,
और यही ताकत सामूहिक शक्ति जो भाजपा की देश भर में है वही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी बनाती है, विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक विश्व नेता भी बनाती है। और आप देखिए तो शायद ही किसी प्रधानमंत्री को इतने सारे सम्मान विश्व भर में मिले और वो सम्मान वो देश के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करते हैं। इस सीट पर आपका आत्मविश्वास दिख रहा है, लोगों के जो भाव है वो भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बढ़त पे हैं, लेकिन कल जो आपने बात कही राहुल गांधी को आपने यहाँ से लड़ने का न्योता दिया था, उसके लिए क्या कारण लगता है? मेरे ख्याल से देश में 543 सीटों पे उम्मीदवार उम्मीद करते होंगे कि राहुल गांधी जी आके लड़े, जिससे उनका मार्ग और सरल हो जाए और जीतने की संभावना हमारी और सुधर जाए। आज तो तकलीफ यह है कि नरेंद्र मोदी बनाम कुछ पता ही नहीं, कोई देश में और चुनौती देने वाला विपक्ष में नेता ही नहीं है। और उनके विपक्ष की देखिए क्या दुर्दशा है, पश्चिम बंगाल में उनके इंडिया अलायंस के सब सदस्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कांग्रेस अलग प्रकार से अलग लड़ रही है, टीएमसी अलग लड़ रही है, क्या इंडिया अलायंस है। वहां पे सीपीएम सीपीआई और कांग्रेस साथ में लड़ रहे हैं। केरल में बयान देखिए, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर ने ऐसा पर्दाफाश किया राहुल गांधी और कांग्रेस का कि वायनाड से भी अब वो हार के जाने वाले। तो मुझे लगता है इतना स्पष्ट हो गया है कि इंडिया अलायंस तो सिर्फ एक हवा है, छोटा मोटा सीट एडजस्टमेंट कुछ राज्यों में कर पाए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में एक दूसरे की रोज आलोचना कर रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं, आधी कांग्रेस पार्टी साफ हो गई है और कहते हैं कि हम इंडिया अलायंस है, ये सब भ्रष्टाचारी बिना लड़ाई जीत गए। ये इंडिया अलायंस एक भ्रष्टाचारी लोगों का छोटा मोटा सीट एडजस्टमेंट वाला गठबंधन बन के रह गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, मुंबई में 20 मई को मतदान होने हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव का पहला और दूसरा चरण खत्म हो चुका है, जहां पहला चरण 19 अप्रैल को हुआ था, वहीं दूसरा चरण 26 अप्रैल को आयोजित किया गया था। वहीं अब महाराष्ट्र में आगे 7 मई 13 मई और 20 मई को चुनाव होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।